तो आज की कहानी ऐसी है कि क्या ही बोलें। सही बात है ना? सही है। क्या ही बोलें। आप वीडियो पूरा देख लो, पता चल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑलराउंडर। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी के साथ और उपस्थित हुई हूँ। तो उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, ये कहानी गुड़गांव की है, दिल्ली की, जहाँ एक कॉल सेंटर में एक लड़की काम करती थी। उस लड़की का नाम रोज था। तो वो बहुत अच्छा काम करती थी, वहाँ अवार्ड भी मिला उसे बेस्ट वर्क का। तो वो लड़की अपने टाइम पे आती थी, अपने टाइम पे काम करती थी, अपने टाइम पे घर जाती थी और नंबर वन का जो रिकॉर्ड रहता था वो उसका था। तो अचानक एक दिन वो लड़की सुबह से लेकर शाम तक की फ़ोन पे बात करती रहती है, फ़ोन पे बात करती रहती है और उसका मूड इतना ऑफ रहता उस दिन कि ऐसा लगता है कुछ हो गया हो, उसके साथ कुछ हुआ हो। तो वो लड़की, सब उसे देखते हैं कि यार रोज़ को क्या हो गया, वो रोज़ की तरह आज थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है और उसके चेहरे पे जो है टेंशन दिख रही है। तो वो रोज़ किसी को बिना बताए, कुछ बताए, वो वहाँ से चली जाती है। जब वहाँ से चली जाती है, कल सुबह होती है, मॉर्निंग टाइम पे वो ड्यूटी नहीं आती है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन जब बीत जाते हैं, ऐसे ऐसे तीन चार दिन बीत जाते हैं, तो वहाँ के जो बॉस होता है उन्हें टेंशन होती है कि रोज़ आई क्यों नहीं, आखिर वो टेंशन क्या थी। तो उन्होंने उस कॉल रिकॉर्ड को चेक करा कि रोज़ की जो आखिरी कॉल थी वो किससे थी। तो उसने, जब वहाँ के लोगों ने छानबीन करी और पता चला कि जिससे वो रोज़ बात कर रही थी उसमें कोई कॉल ही नहीं था, मतलब बिना कॉल के वो किसी से बात कर रही थी, ये चौंकाने वाली खबर थी। तो हर किसी को झटका लग गया कि आखिर हो, ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद 10-15 दिन बीत जाते हैं, चलो छुट्टी गई होगी, कुछ बात हुई होगी इसलिए बताया नहीं। जब 10-15 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद जब फिर रोज़ का पता नहीं चलता, तो उसके बाद जो ड्राइवर होता है, जो उसे छोड़ता था, देर रात घर पे छोड़ता था, लेते जाता था, तो वो पता, वो बोलता है कि मैंने उनका घर देखा है। तो ड्राइवर वहाँ जाता है, उनसे पूछता है, जिस मकान में वो उतरती थी, जहाँ पे उतरती थी उनसे पता करा। तो वो बोलते हैं कि ये मकान मेरा है, मैं हम रहते हैं यहाँ पे, कोई रोज़ नाम की लड़की नहीं है। तो ड्राइवर जाता है, फिर वो वहाँ कंपनी में बताता है कि ऐसी ऐसी बात है। तो सब शौक हो जाते हैं, बोलते हैं क्या पता वो घर किसी और का होगा, वो वहीं पे उतरती होगी और वो आगे जाके रहती होगी। तो ऐसे करते करते एक महीना बीत जाता है और वो लोग पता करते रहते हैं। तो आखिरकार रोज़ के माँ बाप जो होते हैं उनका पता चल जाता है और कुछ लोग रोज़ के घर पे चले जाते हैं गाँव में। जब वहाँ जाते हैं, उनसे, उसके माँ बाप से बातचीत करते हैं, फिर पूछते हैं कि आपकी बेटी यहाँ नौकरी करती थी 6-7 महीनों से, अच्छा काम करती थी, ऐसा ऐसा हुआ और आज लगभग एक महीना हो गया आपकी बेटी नहीं आए। ये सुन कर के उसके माँ बाप चौकन्ने हो जाते हैं, मतलब अचानक से खबर ऐसी हो जाती है उनको कि आखिर क्या बोल रहे हैं। तो माँ बाप बोलते हैं, आप कैसे बोल सकते हो ऐसा, हमारी बेटी को मरे हुए 15 साल हो चुके हैं। तो वो जो आदमी होता है, आप कैसी बातें कर रहे हो, आपकी लड़की डेली हमारे ऑफिस में काम करती है, उसकी आईडी, उसकी फ़ोटो पूरा दिखाता है वो आदमी। फिर उनके घर पे उसके माँ बाप ने अपनी बेटी की फ़ोटो टांगी होती है, उसमें माला चढ़ी होती है। तब वो उसके जो माँ बाप होते हैं वो उस ड्राइवर को या उस आदमी को, जो भी वो लोग गए थे, उनको दिखाते हैं कि ये दीवार पे जो फ़ोटो है वो मेरी बेटी का है। तो वो दोनों आईडी से और जो आईडी होगी, आधार कार्ड जो भी लगा होगा उसका, वो प्रूफ दे के फ़ोटो में मैच हो जाता है। उसके बाद वो घर आ जाते हैं, घर यानी कि कंपनी आ जाते हैं। तो वहाँ पे ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो मतलब जो उसके साथ रहते थे, उसके दोस्त घुले मिले बातचीत करते रहते थे, तो वो एकदम से शौक हो गए, है ना, शौक वाली कहानी कि अचानक वो लड़की गायब होती है, लेकिन पहले से उसका जो रिकॉर्ड होती है वो नंबर 1 का होता है, अच्छा होता है।
तो कहानी में ऐसा भी होता है, कहा जाता है जो दिल्ली या गुड़गांव है वहाँ पे कई ऐसे रहस्य हैं, ऐसी कहानियाँ हैं जो सच्ची होती हैं। रात 12 बजे के बाद वहाँ पे डरावनी हरकतें होती हैं, आवाज़ें आती हैं, ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों के मुँह से YouTube चैनलों में देखा है, सुना है। तो ये थी रोज़ की कहानी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।